हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में एडिशन सीखा था, है ना, थ्री डिजिट का, और उसमें सीखा था विदाउट कैरी एंड कैरी होगा। और आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना, जो नोटबुक में करने थे। ठीक है, स्टोरी वाले क्वेश्चंस थे। चलिए देखते हैं, आप पेज नंबर 51 पर हम लोग नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। सो 51 पेज नंबर निकाल लीजिए, दिस इज 51। एंड यहाँ पर आपको जो नया टॉपिक देखने को मिल रहा है, दैट इज एडिंग थ्री थ्री डिजिट नंबर्स। ठीक है, आपके पास तीन नंबर्स हैं और वो थ्री डिजिट्स हैं, ऐसा इनमें आपको एडिशन करना है। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी है ताकि आप लोग तीन या तीन से ज़्यादा भी आगे सीख पाएंगे। ठीक है, सो स्टेप नंबर वन, एग्जाम्पल, आपको ये ऐड करना है। लेट अस ऐड 367, 222 एंड 291। सो अरेंज द एडेंट्स इन द हंड्रेड्स, टेंस वन एंड वंस कॉलम्स। सबसे पहले आप इन नंबर्स को वंस, टेंस और हंड्रेड्स कॉलम में अरेंज कर लेंगे, जैसे 367, 220 एंड 291। नाउ ऐड वंस टू वंस, टेंस टू टेंस एंड हंड्रेड्स टू हंड्रेड्स। सो स्टेप नंबर टू, ऐड द वंस, यानी कि 7 वंस, 0 वंस प्लस 1 वन, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 1 8, सो 8 वंस। सो राइट 8 इन द वंस कॉलम। ओके, नाउ ऐड द टेंस, यानी 6 टेंस, 2 टेंस एंड 9 टेंस। जब आप इनको साइमल्टेनियसली तीनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट द आंसर 17 टेंस। नाउ 17 टेंस, दैट मीन्स 10 टेंस और 100 प्लस 7 टेंस, दैट मीन्स 7, राइट 7 इन द टेंस कॉलम एंड कैरी ओवर 1 टू द हंड्रेड्स कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टेप नंबर 4, ऐड द हंड्रेड्स, यानी 100 कैरीड ओवर, 100 वाला जो कैरीड ओवर है, प्लस 300 प्लस 200 प्लस 200, सो टोटल कितना आ जाएगा इनका, 800। सो राइट 8 इन द हंड्रेड्स कॉलम लाइक दिस। सो 367 प्लस 220 प्लस 291 इज इक्वल टू 878। सो बच्चों, इसी को देखते हुए हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। एट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ थ्री नंबर्स, सी दिस इज द कॉलम्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, है ना, एंड आपको यहाँ पर थ्री डिजिट्स नंबर के थ्री नंबर्स दिए हुए हैं, थ्री थ्री डिजिट के। सो आपको इन्हें ऐड करना है। सो 5 प्लस 6 टोटल हुआ 11, है ना, 11 प्लस 0 अगेन 11। सो पुट 1 इन द वन कॉलम एंड कैरी ओवर टू द टेंथ कॉलम। सो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ 10 पुट 0, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8। ओके, नाउ सेकेंड वन, 9 1 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, पुट 5 हियर, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 2 2, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18। सो पुट 8 हियर एंड कैरी 1 ओवर टू द हंड्रेड्स कॉलम। Now 1 plus 5 6, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8। Okay, now third one, 2 plus 5 7, 7 plus 5 12, 12 put 2 here and carry 1 over to the tens column. Now add 1 plus 8, that is 9, 9 plus 4, that is equal to 13, 13 plus 2, 13 प्लस 2 15, पुट 5 हियर एंड कैरी 1 ओवर टू द हंड्रेड्स कॉलम। नाउ 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7। ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल गेट द आंसर 752। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 52। सी, डू दीज एडिशन सम्स इन योर नोटबुक। सो स्टूडेंट्स, these all these three digits numbers you have to add in your notebook. Okay students, now do the activity here. Fill the boxes by adding the numbers vertically and horizontally. See, this is 231,
90 + 400 3। सो यू हैव टू ऐड हियर, इनका सम आपको यहाँ लिखना है, इनका सम यहाँ लिखना है और इनका सम यहाँ लिखना है, और इसी तरह इनको वर्टिकली भी ऐड करके इनके आंसर्स यहाँ लिखने हैं, ठीक है। सो इन द ग्रिड ओनली द डैश ऑफ द थ्री नंबर्स हैज बीन चेंज्ड, दैट इज व्हाई डैश इज ऑलवेज द सेम। सो बच्चों आपको ये वर्टिकली ऐड और हॉरिजॉन्टली ऐड करना है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि एडिशन फैक्ट। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इवन इफ द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स इज चेंज द आंसर रिमेन्स द सेम। हम ये पहले से फैक्ट ये सीख चुके हैं कि हम यदि नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी आपके पास दो नंबर है ए प्लस बी, ए और बी है, तो आप उनको ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, उनका ऑर्डर सेम, उनका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 223 है और यहाँ 12 है, तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 35, 3 × 2 = 5, 2 × 1 = 3। सिमिलरली अगर आप इसको इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मीन्स 12 पहले लिख देते हैं, 23 इसके बाद लिखते हैं, तो इसका सम भी आपके पास आंसर 35 ही आएगा। सो दस 23 + 12 इज इक्वल टू 12 + 23। सो वी कैन से दैट इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, वी गेट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है ना। फैक्ट नंबर 2 देखते हैं, जो कि पेज नंबर 53 पर है। एडिंग 0 टू अ नंबर मीन्स एडिंग नथिंग। आप अगर किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं, मतलब आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। सो ऑन एडिंग 0 टू अ नंबर वी गेट द सेम नंबर एज द सम, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 168 + 0, यू विल गेट द आंसर सेम, दैट इज 168। सो वी कैन से दैट इफ ए इज अ नंबर एंड वी ऐड 0 टू इट, वी गेट ए प्लस 0 इक्वल टू ए। नाउ फैक्ट नंबर 3, व्हेन वी ऐड 1 टू अ नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर और द सक्सेसर और द नंबर दैट कम्स आफ्टर। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ नंबर 1589, सो यू ऐड 1 ईयर एंड यू विल गेट द सक्सेसर ऑफ इट, दैट इज 590। सो टू ऐड 1 टू अ नंबर वी कैन काउंट फॉरवर्ड एंड गेट द नेक्स्ट हायर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अगेन अ रिविजन टाइम। सो वॉट इज योर 390 + 112। इफ यू गेट द प्रीवियस फैक्ट वॉट यू हैव राइट हियर 112, है ना। 390 यहाँ है + 112 लिखा है, यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया है, तो 112 आएगा और यहाँ पर 390 पहले से है। अब यहाँ 499 + 0 है, अगर उस फैक्ट को ध्यान रखते हैं जिसमें ऐड क्या कर रहे हैं आप 0, तो आंसर क्या आने वाला है, 499 आएगा। सेकेंड सी पार्ट देखें, 469 + 29। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 29 पहले लिखेंगे एंड देन लिखेंगे 469। सी 323 + 1, व्हाट यू विल गेट, यस यू विल राइट हियर इट्स सक्सेसर, दैट इज 324। ओके, दिस इज 570 + 0, तो आपने क्या ऐड किया, नथिंग, सो आंसर विल बी 570। 783 + 1, सो यू विल राइट इट्स सक्सेसर 784। स्टूडेंट्स आपको ये रिवीजन टाइम भी समझ में आया है ना, ये एक्सरसाइज समझ आई। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ ये एक्टिविटी आपको करनी है। स्टेप नंबर 1, फॉर्म 2 3-डिजिट नंबर्स एंड ऐड देम। स्टेप नंबर 2, ऐड 0 टू द आंसर, ठीक है। स्टेप नंबर 3, ऐड 1 टू द आंसर। ओके, तो एक्टिविटी आप ये कर लेंगे, है ना। नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या आप हमारे मेल आईडी पर भी लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, जो कि आपका पूरा एडिशन चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसी के रिलेटेड ही सारा ये क्वेश्चंस हैं। आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, है ना। एडिंग बाय रीग्रुपिंग, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। थर्ड क्वेश्चन, डू दीज एडिशन सम्स बाय अरेंजिंग देम इन 100 टाइम्स एंड वंस इन योर नोटबुक। फोर्थ, स्टोरी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये स्टोरी वाले प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको ये करना आना चाहिए, है ना।
अगर आप ये कर लेते हैं तो बेटा आप लोग जो हैं ये सारे एडिशंस के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, है ना। ये लास्ट आपकी फन एक्टिविटी है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भी करके दिया गया है। यहाँ पर आपको करना ये है, जो बलून्स दिए हैं बलून्स पे कुछ नंबर लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 218 है या 415 है, तो 218 का नियरेस्ट 100 क्या है, 200 है, एंड 415 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 400। जब इन दोनों का सम आएगा तो कितना आएगा, 600। इसी तरह आपको ये सारे भी परफॉर्म करने हैं। तो ये आपका लास्ट पेज है एडिशन यूनिट का, तो आप इसको जैसे ही ख़त्म कर देते हैं तो आप आपके सेकेंड यूनिट एडिशन को ख़त्म कर लेंगे। आपको कुछ भी क्वेरी है तो बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं करते हुए किसी मेल आईडी के थ्रू पूछना है तो मेल आईडी भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपके इस यूनिट के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।